आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अष्टमी नवमी में कन्या पूजन के प्रसाद की रेसिपी, जिसमें रहेगी काला चना, साथ में रहेगी सूजी का हलवा और गुब्बारे जैसी फूली फूली पूड़ियाँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस अष्टमी नवमी के प्रसाद की रेसिपी को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कप काले चने को ओवरनाइट भिगो करके ले लिया है। अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो हमें ऐड करनी है ना, काले चने से थोड़ी सी ज़्यादा हमें ऐड करनी है। साथ में आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और एक तेज़पत्ता हमने ऐड किया है। अब हम इसे गैस पे रख देंगे और 3 से 4 सीटी इसमें आने देंगे। तब तक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। छोटी सी कटोरी में यहाँ पे हमने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच यहाँ पे हमने धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हमने जीरा पाउडर ऐड किया है। साथ में आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ध्यान रहे हमने चने में भी नमक ऐड किया है। पानी डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करके इसे अब साइड करते हैं। और ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में ना 3 से 4 सीटी लग चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं, इसे अब हम साइड करते हैं। तब तक चलते हैं सूजी का हलवा बना के तैयार कर लेते हैं। गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन रखी है। एक कटोरी यहाँ पे हमने घी ले लिया है। किसी भी कप या कटोरी का आप मेजर करके ले सकते हैं। थोड़ा सा घी हमने बचा करके रख लिया, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ली है, 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 8 से 10 यहाँ पे हमने किशमिश ले ली है। काजू और बादाम को घी में डाल करके इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट घी में अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। किशमिश को अभी हम रोस्ट नहीं करेंगे, पहले काजू और बादाम को रोस्ट करके रख लेंगे। अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को हमें 1 से 2 सेकंड ही इसमें रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने रोस्ट कर लिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने एक कटोरी सूजी ली है। एक कटोरी हमने जैसे घी ली थी ना, तो एक कटोरी हमने सूजी ले ली है। घी में अब हम सूजी को डाल देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। सूजी को हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। जब तक सूजी भून रही है तब तक इसके लिए ना हम पानी गर्म करके रख लेते हैं। एक बर्तन में यहाँ पे हमने 3 कटोरी पानी रखती है। साथ में यहाँ पे हमने उसी कटोरी के नाप से हमने 1 कटोरी चीनी ऐड की है और कुछ धागे हमने केसर का ऐड किया है। चलाते हुए चीनी घुलने का वेट करेंगे। इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी, बस चीनी को हमें इसमें घोल के तैयार कर लेना है। और ये देखिए पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है, ये देखिए। इसे अब हम साइड करते हैं, ये देखिए। अब चलते हैं सूजी को देख लेते हैं। चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। जब तक सूजी का कच्चापन ना निकल जाए, अच्छे से ये भून ना जाए, तब तक हमें सूजी को भूनते जाना है। इस टाइम पे ही हम 1 टेबल स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने के बाद सूजी के साथ इसे भी हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे, जब तक बेसन का कच्चापन ना निकल जाए। दोनों चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब हमने जो पानी तैयार करके रखा हुआ था ना चीनी वाला, वो हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। जब आप पानी ऐड करें ना, तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दें, क्योंकि जब आप इसमें पानी ऐड करेंगे ना, तो इसके छींटे जो है ना बाहर आएंगे, इसलिए आप सावधानी से इसमें पानी ऐड करें। चलाते हुए इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट आप इसे चलाते जाए, ये देखिए। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखा हुआ था ना, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम सूजी के हलवे में ऐड करेंगे, ये देखिए। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे और बची हुई घी जो हमने रखी थी ना, इस टाइम पे ही हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से घी को हम हलवे में मिक्स करेंगे
और ये देखिए सूजी का हलवा बन के बिल्कुल तैयार है। इसे आप साइड करते हैं, आप चलते हैं पूड़ियों के लिए ना आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। एक परात में यहाँ पे हमने 2 कप इसमें हमने गेहूं का आटा ऐड किया है, साथ में यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। दोनों चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पानी डाल करके ना इसका डो तैयार करेंगे। इसका डो जो हमें तैयार करना है ना, सख्त डो तैयार करके ले लेना है। इसमें हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है। कई लोग इसमें अजवाइन और कलौंजी ऐड करते हैं, लेकिन मैं ना इसी तरीके से अष्टमी और नवमी के प्रसाद के लिए ना पूड़ियाँ बना के तैयार करती हूँ। और ये देखिए हमने डो तैयार करके ले लिया है। इसे अब ढक करके ना रेस्ट पे हम रहने देंगे। तब तक हम चने को चेक कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं चने जो है ना अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए 3 से 4 सीटी में ये बहुत ही इजीली पक जाती है। इसे आप साइड करते हैं और गैस पे एक कढ़ाई हम रख देते हैं। साथ में यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून तेल ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें जीरा ऐड की है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड किया है और 1/2 टीस्पून हमने हींग ऐड की है। सारी चीज़ों को तेल में अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो मसाले को तैयार करके रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम मसाले को इसमें डाल देंगे और बाउल में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल देंगे। चलाते हुए मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब मसाले भुन जाए ना, फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। चलाते हुए मसाले को अच्छे से भुनते जाना है जब तक मसालों से तेल बाहर ना आ जाए। मसाले भुनने के बाद हम इसमें उबले हुए चने ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका पूरा पानी सुखा लेना है। चलाते हुए चने के ना अब सारा पानी अच्छी तरीके से सुखा ले। और ये आप देख सकते हैं चने का जो पानी है ना सूख चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखिए काला चना जो है ना बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं पूड़ियों का आटा देख लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूड़ियों का जो आटा हमने लगाया था ना, वो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। वापस से हम इसे एक बार चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आटा लेकर के ना पेड़े का शेप दे देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसके पूड़ियाँ बेल करके तैयार करेंगे। एक एक पेड़े लेकर के इसे हम चकले पे रखते हुए पूड़ियों को बेलते हुए तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे ना अष्टमी नवमी के प्रसाद के लिए तो बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। सभी इसे बार बार आपसे मांग करके खाएंगे। इस तरीके से आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये लीजिए सारी पूड़ियाँ बनके तैयार है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने तेल गर्म होने दे दी है। एक एक करके सारी पूड़ियों को हम इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए उलटते पलटते आपको इसे तल लेना है। और ये आप देख सकते हैं गुब्बारे की तरह पूड़ियाँ फूलती जा रही है। दूसरी पूड़ियाँ भी हमने उसमें ही डाल दी है। दूसरी भी उसी तरीके से बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है। ये देखिए उलटते पलटते आपको सारी पूड़ियों को तल के तैयार कर लेनी है। बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप ज़रूर से लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इससे मुझे पता लगता है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ही अच्छी लग रही है। सारी पूड़ियों को हम इसी तरीके से तल के
तैयार कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारी पूड़ियाँ जो है ना तल के तैयार हो चुकी है। ये देखिए सुपर टेस्टी डिलीशियस ये भोग का प्रसाद बनके तैयार होगी। उलटते पलटते हमने सारी पूड़ियों को तल के तैयार कर लिया है। ये देखिए अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए पूड़ियाँ हमने इसमें रख दी है, साथ में हमने थोड़ी थोड़ी सी सारी पूड़ियों के ऊपर ना चने रख दी है। उसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी सी ना हलवा इसके ऊपर रख दी है। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे मांग मांग करके आपको इससे खाएंगे। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस अष्टमी नवमी के कन्या पूजन के प्रसाद की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप ज़रूर से लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इससे मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।